छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद टीएस सिंहदेव गुरुवार को दिल्ली से रायपुर लौट आए। रायपुर एयरपोर्ट पर टीएस सिंहदेव का उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। टीएस सिंहदेव ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी प्राथमिकता राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करने की होगी। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसे पूरा करूंगा। हम मौजूदा सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। जिम्मेदारी निभा सके हम लोग अपनी अपनी जगह जहाँ जहाँ है जो जिम्मेदारी रहेगी मिलके करेंगे तो अच्छे हमेशा बहुत अच्छे परिणाम है। नहीं बाकी कोई चर्चा उप मुख्यमंत्री को अलग से कोई काम में अलग से कोई प्रभार नहीं होता। एक दर्जा मिला है प्रोटोकॉल में शायद उसमें कोई दर्जे की बात हो। बाकी तो जिम्मेदारियां विभाग की हैं उन्हीं को निभाना है और सबसे जरूरी है कि मिलके साथ सबको एक को चलना है। छत्तीसगढ़ की पहचान जो बनी है उसे और प्रगाढ़ते रहना है और लोगों ने जो विश्वास 2018 में दिया था उसके लिए पहल करना है कि दोबारा हम लोगों को वो विश्वास मिल सके। मैंने कभी 2.5 साल की चर्चा नहीं की, आप लोगों ने की थी। मैं आप लोगों का आभार भी व्यक्त करूंगा आज मीडिया के साथ, ना केवल इन 4.5 सालों में बल्कि कई सालों से का हमेशा सकारात्मक साथ मिला और आज के दिन आप सबको बधाई। आज हाईकमान ने निर्णय लिया है वो 2.5 का होता चाहे का होता चाहे आगे का जो भी वो जिम्मेदारी जब जैसी लेंगे हम लोग को तो नहीं। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और अमूमन यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं पीसीसी प्रेसिडेंट होते हैं यही आगे रहते हैं, इन्हीं का चेहरा आगे रहता है। परंपरा कांग्रेस में भी रही है, अमूमन पिछले बार भी हमने यही किया था। मिलके हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, कोई एक आदमी चुनाव नहीं लड़ा सकता, कोई एक आदमी नहीं जिता सकता। हम लोग कोई भी की बात हो रही है चेहरे पर, पिछले बार भी सामूहिक शिव थी। आज एक हमको मुख्यमंत्री भी मिले हुए हैं, पहले वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थे तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी वो आगे थे, एक चेहरा था। आज भी एक चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में, हाईकमांड ये सब तय करता है, जो वो तय करेंगे हम लोग वैसे। इस बार क्या कल की बैठक में कोई भूमिका तय हुई है क्या? नहीं कोई भूमिका नहीं, काम करते रहना है बस, ये सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि अब तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, उनका विश्लेषण है, वो स्वतंत्र हैं अपने सोच से अपनी बातें रखें, उसमें हम लोग को क्या कहना है। तो ये यहाँ भी जब भी मीटिंग हुई है शैलजा जी लगातार मीटिंग ले रही हैं और हर जगह यही बात होती रही। हम लोग आपने देखा कि रविंद्र चौबे जी के यहाँ भी बैठे, अकबर भाई के यहाँ भी बैठे। बाद आपने स्पष्ट संकेत दे दिया था अपनी बातों में क्योंकि और कोई तो बात कर नहीं रहा था। जब आपने बात की तो आपने क्लियर कर दिया था कि हम काम पे चुनाव लड़ेंगे, चेहरे पे चुनाव नहीं। नहीं मैंने ये कभी नहीं कहा चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जब रहते हैं तो उनका चेहरा तो आगे रहता ही है। आज वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग 12 मंत्री हैं। कहा जाता है प्रजातंत्र में कि सब मंत्री बराबर होते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री सब बराबर होते हैं, लेकिन फर्स्ट अमंग इक्वल। धन्यवाद भी और उनसे भी चाहेंगे कि जिम्मेदारी से जो भी वो सुझाव दें हम लोग को आगे भी जो समय मिले, एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक महीना, चार महीना, जब जहां जैसी जवाबदारी मिले उनके सकारात्मक सुझाव आते रहेंगे तो छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए हम लोग को भी। मैं तो एक सदस्य हूँ, मिलके हम लोग कर रहे थे, आगे भी करेंगे। अभी काम बाकी हैं, कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ हम लोगों ने कहा था वो बाकी है, अन्य मुद्दे हैं वो भी बाकी हैं, समीक्षा भी हम लोग कर रहे थे। कल घोषणा पत्र के जो 36 प्रमुख बिंदु हैं तो करीब 12 अभी होने बाकी हैं, 12 हमने पूरे कर लिए हैं, 12 आंशिक हमने कर लिए हैं, जो 12 बचे हैं उसमें से कुछ कुछ आंशिक हो गए हैं, तो कुछ हुआ है कुछ करना पड़ता है। मेरे लिए तो जो टारगेट है वो 2/3 से 75+ के बीच में, एक 2/3 का रियलिस्टिक टारगेट लगता है जो 60 सीट होगी और 75+ की भी बात हमारे साथी कह रहे हैं। आज 71 पे अगर हम हैं तो 75+ बहुत दूर नहीं, और 60 के आसपास भी अगर हम रहते हैं उतना भी विश्वास लोगों का मिलता है तो संतोष होगा, जितना ज्यादा मिलेगा उतनी खुशी मिलेगा। बहुत साथियों का इसमें डिवीजन मेरे को नहीं दिखा, नॉर्थ साउथ का या सेंट्रल का, बहुत साथी हैं जिनका स्नेह मिला। मैंने कल भी कहा था कि सरगुजा के आंचल में मुझे जन्म मिला, मुझे परवरिश मिली, मुझे बड़ा होने का मौका मिला और उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत स्नेह और प्रेम मिला और उसी आधार पे हम लोग काम करते हैं, उसी आधार पे चल रहे हैं।
आज जो जवाबदारी मिली है उसे छत्तीसगढ़ के लिए किस तरह से हम निभा सकते हैं, सबको साथ लेकर क्या हम लोग काम कर सकते हैं, यही जवाबदारी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे रमन सिंह जी की बात हमेशा याद आती है। पिछले चुनाव के पहले मीडिया में रिपोर्टिंग थी कि रमन सिंह ने ये कहा, मुझे नहीं मालूम मीटिंग में ये कहा कि नहीं रायगढ़ में, कि एक साल आप लोग भ्रष्टाचार बंद कर दो हमारी सरकार बन जाएगी। ये रमन सिंह जी के स्वयं के मुख्यमंत्री रहते हुए शब्द मीडिया में रिपोर्ट हुए। बाकी जो बातें होती हैं, एक समाज है, इसमें कुछ प्रचलन होते हैं। हम लोग की जवाबदारी होती है कि भ्रष्टाचार जैसी बातों को जितना सीमित किया जा सके वो समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और सरकार की ओर से बेहतर हो।